भारत का एक ऐसा गांव जहां कहते हैं सिर्फ भूत। आपने इंसानों की बस्ती के बारे में तो सुना होगा। भारत में एक ऐसा गांव है जहां पर इंसान नहीं रहते। कभी इंसानों और हलचल से भरा यह गांव आज कोसों दूर तक वीरान हो चुका है, क्योंकि इस गांव में इंसान नहीं भूत रहते हैं और इसे भूतों का गांव भी कहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ इस गाँव में जो ये बन गया भूतों का घराना? हम आपको बता दें, देवभूमि उत्तराखंड में है ये गांव। इसे देखने और घूमने हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहां की पहाड़ी और प्रकृति की खूबसूरती देखने ही बनती है। लेकिन आप उत्तराखंड के चंपावत जिले का स्वाला गांव का नाम सुनते ही हैरान होते हैं, क्योंकि इस गाँव को भूतिया गाँव कहा जाता है। इस गाँव को भूतिया गाँव क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और कहते हैं इस गाँव के पास से 1952 में एक PSC की एक गाड़ी के गिरने के बाद से इस गांव की तकदीर और नाम दोनों बदल गए। चंपावत जिले से 30 किलोमीटर पहले वीरान पड़ा गांव सवाला आज भूतिया हो गया है। खाई में गिरी गाड़ी में 8 जवान थे। वह गाड़ी से चीख चीख कर गांव वालों को मदद मांग रहे थे और गांव वाले उनकी मदद ना करके उनका सामान लूटते रहे, जिसके कारण 8 जवानों की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद से ही जवानों की आत्मा यहां भटक रही है। आज भी उस गांव में आत्माएं भटक रही हैं और इसी कारण पूरा गांव वीराना हो गया है और भूतिया बन गया है। ये थी SM News रिपोर्ट।